बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण 19 अप्रैल को संपन्न हो गए। आज 89 लोकसभा सीटों में, जिनमें 8 उत्तर प्रदेश की भी हैं, उनमें चुनाव चल रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है, मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्राप्त हो रहा है, वह अभिभूत करने वाला है। और मैं कह सकता हूं, जब 4 जून को ईवीएम खुलेंगे तो जो जनता की अभिलाषा है, उसके अनुरूप फिर एक बार मोदी सरकार का सपना साकार हो जाएगा। बहनों और भाइयों, लोग पूछते हैं कि देश के अंदर आखिर ये नारा क्यों गूंज रहा है। मैंने कहा, नारा इसलिए गूंज रहा है क्योंकि मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। बहनों और भाइयों, तस्वीर और तकदीर को ऐसे बदल दिया है, 2004 से 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी बिन मांगे यूपीए गवर्नमेंट को अपना समर्थन दे रही थी। और उस समय की सरकारों के हाल आपने देखे होंगे, दुनिया के अंदर पहचान का संकट था हमारे लिए, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद चरम पर था, नक्सलवाद देश के अंदर तेजी के साथ अपना फन फैलाया हुआ था, आतंकवादी कहीं भी विस्फोट करके निर्दोष लोगों को मार देते थे। 2014 के बाद आपने देखा होगा, 14 के पहले देश के अंदर विकास की योजनाएं नहीं थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीबों के हकों पर डकैती डालने का कार्य होता था। बहनों और भाइयों, 2014 के बाद दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, अब तो आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। अगर कहीं पर जोर से विस्फोट हो जाए ना पटाखे का भी, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि एक मजबूत सरकार है। कांग्रेस और यूपीए की सरकार की तर्ज पर मजबूर सरकार नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व की एक मजबूत सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। जब पुलवामा की घटना घटित हुई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था, हमारे जवानों की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और हमारे भारतीय जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके, आतंकवादियों की माद में घुस करके उनको सबक सिखाने का काम किए थे। पाकिस्तान चिल्लाता रह गया, जान बचा करके भागना पड़ा था वहां पर पाकिस्तान को। बहनों और भाइयों, ऐसे ही विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, हर घर नल की योजना, ये सभी तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती नहीं। आप सोचिए, कांग्रेस के समय में, सपा के समय में, बसपा के समय में,
लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। उनके समय में भ्रष्टाचार था, गरीब के हक पे डकैती पड़ती थी, और आज आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को तो आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में अगर कोई गरीब बीमार हो जाता है, उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है, हमारा विधायक या हमारा पदाधिकारी या कोई पीड़ित स्वयं मुझे पत्र लिख देता है, तो मोदी जी के द्वारा खोले गए जनधन अकाउंट में हम सीधे पैसा भेज देते हैं, उसके उपचार की व्यवस्था करवा देते हैं। क्योंकि हम चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं देते हैं, हमारा तो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास का। बहनों और भाइयों, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, हमने तो जनता जनार्दन की सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य माना है। लोग अपने परिवार के लिए कमाते होंगे, और हमारे लिए तो 25 करोड़ की जनता और मोदी जी के लिए 140 करोड़ की जनता ही परिवार है। उसकी सुरक्षा, उसकी खुशहाली, यही हम लोगों का जीवन का ध्येय है और उसी के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ गरीबों को आपने देखा होगा कि 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस के सिलेंडर पहुंच गए हैं, और 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस चाहती तो वो भी कर सकती थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी चाहती तो वो भी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने परिवार के लिए तो भरा, अपने परिवार वालों के लिए खूब कमाया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। और एक तरफ किया कुछ नहीं, वहीं आपने वर्तमान में कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इनके घोषणा पत्र को देखा होगा, अपने घोषणा पत्र में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे गरीबी? गरीबी हटाओ का नारा तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था 1970 में गरीबी हटाने का। बहनों और भाइयों, 54 वर्ष के बाद भी नाती भी वही तोता रटंत लगाए जा रहा, हम गरीबी हटाएंगे, एक झटके में हटाएंगे। जब उससे पूछा गया कि कैसे हटाएंगे, तो कहता है हम सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे करवा देंगे, और सर्वे कराने के बाद अगर किसी के पास 4 कमरे का मकान है ना, तो 4 कमरे के मकान में अगर उनके परिवार में 4 लोग हैं, तो कहेंगे कि तुम्हारे लिए 2 कमरे पर्याप्त हैं, 2 कमरे हम दूसरे लोगों को जबरदस्ती कब्जे में ले लेंगे, उस पर कांग्रेस का अधिकार हो जाएगा। वे कह रहे हैं हम सर्वे कराएंगे। देखो, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्त्री धन पर केवल स्त्री महिला का अधिकार है, कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन ये बेशरम लोगों को देखो ना, ये कहते हैं कि महिलाओं के जेवर को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या स्वीकार करेगा क्या? लेकिन इनकी हालत देखो, और किसको बांटेंगे? ये आपकी संपत्ति को बांटने का काम किसको करेंगे? बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या लोगों को, जो विदेशी आए हैं घुसपैठियों, उनको बांट देंगे ये लोग। क्या आपको ये हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? लेकिन ये कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं कि ऐसा कर देंगे। बहनों और भाइयों, इन्होंने जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 2004 से 14 के बीच में, इन्होंने ऐसे प्रयास किए थे अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण के लिए, उस पर इन्होंने सेंध लगाने का काम किया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी गठित की थी। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी ने कहा था
पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में 6% मुसलमानों को देने की बात उसने कही थी। और ऐसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में भी इन्होंने सेंध लगा के जबरदस्ती मुसलमानों को घुसाने का प्रयास किया था। और बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये केवल इन्होंने रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी के माध्यम से ही नहीं किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी अपने एक भाषण में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कहा था ना, गरीब कहां जाएगा, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लोग कहां जाएंगे, ये हिंदुस्तान के लोग कहां जाएंगे। लेकिन देश के विभाजन को फिर से आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के द्वारा साजिश रची जा रही है, एनडी गठबंधन के द्वारा साजिश रची जा रही है। क्या यह देश इस साजिश को स्वीकार करेगा? हमें कतई स्वीकार नहीं करना है। बहनों और भाइयों, आज भारत दुनिया के अंदर एक ऐसा देश बना है जिसको पूरी दुनिया में जिसकी पहुंच है, दुनिया में जिसके बारे में अच्छी धारणा बनी है, लोग भारत को सम्मान दे रहे हैं। और इस सम्मान का कारण है मोदी जी जहां कहीं दुनिया के अंदर जाते हैं आज के दिन पर पूरा देश उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ता है। स्वागत 140 करोड़ भारतीयों का स्वागत होता है। लेकिन बहनों और भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यह नहीं लगता। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दो बातें और कही हैं, विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेश्रम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है, जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरः, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को, क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? और मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बहन और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना, ये लोग धोखा देंगे। जब भी इनको अवसर मिलेगा ये लोग धोखा देंगे। हमें धोखेबाजों से नहीं, हमें भ्रष्टाचारियों से नहीं, हमें हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिंदुस्तान की संप्रभुता के साथ साथ हिंदुस्तान को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाली सरकार चाहिए। और वह केवल भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी, भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो किसान को भी, मजदूर को भी, नौजवान को भी और महिलाओं को भी सम्मान देती है। आपने देखा चौधरी साहब को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने दिया है। आपने देखा होगा कि हर एक तबके के लिए मोदी जी ने उस प्रकार के प्रावधान किए हैं। और मैं फिर आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, संबल के लोगों को, बिलारी के लोगों से कहने के लिए मैं बहनों और भाइयों आया हूं, एक ही अपील करने के लिए आया हूं
कि क्या हमारा वोट जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों, कतई नहीं जाना चाहिए जो लोग वंदे मातरम का गायन करने में संकोच करते हैं, भारत माता की जय कर जय घोष करने में जिन्हें संकोच होता है, उनको आपका वोट जाने का मतलब आपके द्वारा भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को सम्मान देने का कार्य हो रहा है। और इसलिए मेरी अपील होगी, हम लोग भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को ध्यान में रख करके आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग ऐसी सरकार बनाने में अपना योगदान दें जो मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कहा था, एक आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत। विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा तो हर नागरिक आत्मनिर्भर होगा, नौजवान आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, श्रमिक आत्मनिर्भर होगा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और हमें ऐसी ही सरकार को बनाने में अपना योगदान देना है। आप सहमत हैं इसके लिए? सहमत हैं ना बहन और भाइयों? भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए श्री परमेश्वर लाल सैनी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। देखो परमेश्वर जी कोई अपरिचित चेहरा नहीं है आपके लिए, अपरिचित चेहरा नहीं है। देखो जनता जनार्दन ने आशीर्वाद जिस भी रूप में दिया होगा तब भी यहां जमे रहे, यहां काम करते रहे ना, लगातार काम करते रहे ना, कोई संकोच नहीं रहा। और सम विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने का जज्बा उनके मन में है, और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। उनकी प्रत्याशिता का मतलब इस क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी, और सुरक्षा की गारंटी तो वैसे भी जब से आपने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई है, कोई दंगाई और किसी कर्फ्यू के समर्थक की हिम्मत है किया कि वो कर्फ्यू लगवा दे या दंगा करवा दे? उसको मालूम है कि अगर दंगा करवाएगा तो राम नाम सत्य की यात्रा भी उसकी निकल जाएगी। फिर बहन और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, परमेश्वर लाल सैनी जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको परमेश्वर लाल सैनी स्वयं बनना पड़ेगा, घर घर जाना होगा, एक एक वोट को कमल चुनाव चिन्ह पर लाना होगा। अगर आप इस कार्य को करने में सफल होते हैं तो बहनों और भाइयों, संबल में फिर से कमल खिलेगा, और संबल में कमल खिलने का मतलब कल की अवतार की भूमिका की तैयार हो जाएगी। यही तो मान्यता है हमारे धार्मिक शास्त्र इसी बात का उल्लेख करते हैं, कलयुग में कल की अवतार होगी संबल में, अधर्मी अत्याचारी अन्यायियों को सही जगह पहुंचाने का काम करेंगे कल की भगवान, और इसका आधार बनेगा कमल का निशान। कमल निशान के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए। और बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको करना होगा एक एक घर जाना होगा, स्वयं परमेश्वर लाल सैनी बनना होगा। बन पाएंगे? घर घर जाएंगे? बहनों और भाइयों, ये चुनाव महत्वपूर्ण है, देश का चुनाव है, और देश के अंदर जो आवाज है कि फिर एक बार, अब की बार 400 पार के लिए संभल भी उसमें एक होगा, ये संभव कर पाएंगे? संभल संभव करेगा?
और इसके लिए आपको कुछ दिन का समय, खेती बाड़ी का काम लगभग लगभग पूरा हो चुका है, लगभग लगभग पूरा हो चुका है। और 5 साल में तो एक बार चुनाव आते हैं, 2 बार आए तो भी क्या दिक्कत आ रही। देश के लिए अगर समय देने की आवश्यकता पड़ेगी, हम एक दिन नहीं 1 महीने का समय देश के लिए कुर्बान करेंगे। ये सहमत है ना? अरे ये हमारा देश है, जीवन हमारा, देश हमारा, तो हमारा जीवन है, हमारी सुरक्षा है, हमारा देश है और वोट भी हमारा है, तो सरकार भी तो हमारी होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए कमल चुनाव चिन्ह के लिए मैं आया हूं आपसे अपील करने के लिए कि परमेश्वर लाल सैनी को 7 मई को पड़ने वाले चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। सहमत हैं सभी लोग? सहमत हैं? जिता करके भेजेंगे तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।